नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है, जिसके 4 चरण 23 फरवरी तक संपन्न हो चुके हैं। कुल 4 चरणों में अब तक 231 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। बचे हुए 3 चरणों का मतदान 7 मार्च तक होगा। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने कई राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है, जो 10 मार्च को परिणाम आने के दौरान खुलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 59 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि 1.25 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, ग्रामीण और शहरी विकास, राम मंदिर आदि ऐसे अनेकों मुद्दों पर खुलकर मतदान किया है। चौथे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रखे हैं, जिसके परिणाम देखने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। के राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने चौथे चरण में 59 विधानसभा सीटों के सभी मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर मतदाताओं के मन की बात जानने की कोशिश की है। सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जगह जगह मतदान बूथों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के मुद्दों को जानने के बाद एक स्टीक सर्वे तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो चौथे चरण की 59 सीटों में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। सपा का 4, बसपा 2, कांग्रेस 2 और 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहा था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव आते आते चौथे चरण की इन 59 सीटों पर अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। सपा ने आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी और कई छोटी बड़ी पार्टियों से गठजोड़ कर महागठबंधन को 2022 के यूपी चुनाव के रण में उतारा है। ऐसे में परिस्थितियां बदलना लाजमी है। खैर, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने चौथे चरण की 59 सीटों पर स्टीक सर्वे कर अपडेटेड आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लाटेस्ट सर्वे देखने के बाद पक्ष विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी विधानसभा चुनाव पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने करोड़ों रुपए का दाम लगा रखा है, जिसके चलते स्टोरिये प्रत्येक मतदान बूथ पर पहुंचकर सर्वे करते हैं और यही कारण रहता है कि प्रत्येक चुनाव में सट्टा बाजार की सर्वे के आंकड़े और उस चुनाव का परिणाम लगभग एक समान होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। खैर, यूपी के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्टीक सर्वे के आंकड़े समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीटों से, जहां चौथे चरण में चुनाव था। सीतापुर की 2 सीटें सपा गठजोड़ को राष्ट्रीय प्रदेश सट्टा बाजार दे चुका है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव सहित कई छोटी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को 2 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं चौथे चरण में बसपा का खाता खुलता हुआ भी नजर आ रहा है। 1 सीट बसपा के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को सीतापुर में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने 6 सीटें सौंप दी है। 6 सीटों पर कमल खिलने में कामयाब होगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट राष्ट्रीय प्रदेश सट्टा बाजार की सर्वे में दे दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस लखीमपुर खीरी की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता नहीं खोल पाएगी, 0 सीटें दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लखीमपुर खीरी की 7 विधानसभा सीटें हैं वो सौंप दी गई है। सट्टा बाजार के अनुसार 7 सीटों पर बीजेपी कमल खिला पाएगी। इसके अलावा फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी कई बड़े चेहरे चुनावी रण में हैं। सपा के गठजोड़ को 0 सीट फतेहपुर में दी गई है, खाता खोलने में भी कामयाब नहीं होगा। इसके अलावा बसपा को भी 0 सीट, कांग्रेस का भी पूरी तरह से सूपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर की 6 की 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार हरदोई जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर एसपीआरएलडी के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। हरदोई की 1 सीट पर एसपीआरएलडी होगी। इसके अलावा बसपा भी यहां पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार, और बीजेपी को यहां की 6 सीटें हैं वो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है। हरदोई की 6 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है।
पीलीभीत जो जिले की चार विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े हैं, तो यहां भी कई चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में हैं, बड़े चेहरे। यहां पर सपा के गठजोड़ को 0 सीट दी गई है। पीलीभीत की किसी भी सीट पर सपा गठबंधन काबिज नहीं होगा। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस का भी पीलीभीत में सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट सट्टा बाजार ने दी है। वहीं पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में। राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार की सर्वे है वो डाल चुकी है। इसके अलावा रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार में लगाया गया है। बसपा यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, मायावती को 0 सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस चौथे चरण में अपना खाता खोलती हुई 1 सीट कांग्रेस के खाते में। वहीं भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा उन्नाव जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपीआरएलडी के गठजोड़ को 1 सीट सौंप दी गई है। उन्नाव को लेकर के काफी जो दंगा फसाद भी हुआ था, सपा गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं बसपा भी यहां पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। उन्नाव सीट पर 1 सीट पर बसपा है वो अपना हाथी मजबूत बनाएगी। बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। उन्नाव की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, और लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें सपा गठजोड़ को सौंप दी गई है। एसपीआरएलडी शिवपाल यादव सहित सब पूरा महागठबंधन है वो 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं बसपा लखनऊ की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा, मायावती को 0 सीट है वो लखनऊ में राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दे दी गई है। वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से लखनऊ में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि चौथे चरण में सिर्फ 1 सीट पर रायबरेली की 1 सीट पर कांग्रेस काबिज होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार के अनुसार लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ की 9 में से 6 सीटें हैं वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। 6 सीटों पर लखनऊ में बीजेपी कमल खिला सकती है। बांदा जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी कई मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं, और बांदा जिले की 1 सीट एसपीआरएलडी शिवपाल यादव सहित कई छोटी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। बसपा और कांग्रेस है वो बांदा जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, सट्टा बाजार के अनुसार बसपा और कांग्रेस है वो 0 सीट पर काबिज होने के मान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को बांदा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें हैं वो दे दी गई है राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में बांदा में कामयाब हो सकती है। ओवरऑल चर्चा करें तो चौथे चरण में सपा गठजोड़ को 11 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। एसपीआरएलडी के गठजोड़ को चौथे चरण की 59 में से 11 सीटें मिल सकती है। वहीं बसपा को 3 सीटें मिल सकती है। जी हां दोस्तों, पहली सीट सीतापुर में, दूसरी हरदोई के अंदर और तीसरी उन्नाव के अंदर बसपा को 3 सीटें राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार चौथे चरण में दे चुका है। कांग्रेस भी चौथे चरण में 1 सीट पर कब्जा कर सकती है, चौथे चरण में ही कांग्रेस खाता खोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलकर के कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया है, सिर्फ 1 सीट। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर कब्जा कर सकती है। 2017 में यहां पर 50+ सीटें थी और बीजेपी को 2022 में सट्टा बाजार 44 सीटें हैं वो चौथे चरण में अब तक की सर्वे के अनुसार दे चुका है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय अपलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को चौथे चरण में काफी मजबूत बताया गया है। योगी आदित्यनाथ जी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता सट्टा बाजार ने बताया है। योगी मोदी की जोड़ी ने चौथे चरण में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज कर दी है। सपा गठजोड़ भी ठीक ठाक प्रदर्शन चौथे चरण में करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बसपा और कांग्रेस ने अपना खाता चौथे चरण में खोल लिया है। फिलहाल यूपी की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा, योगी जी दोबारा विराजमान होंगे या अखिलेश यादव का महागठबंधन सरकार बनाएगा, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि यूपी के अगले 3 चरणों की अपडेटेड सर्वे सट्टा बाजार द्वारा जो जारी की जाएगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी वीडियो के साथ, अगली बड़ी अपडेट के साथ, अगले चरणों की सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।